नमस्कार। जी हाँ, राजस्थान के मौसम के बारे में बात करेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा और कहाँ और किन इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। आज कई इलाकों में आपको काले घने बादल देखने को मिल सकते हैं और सुबह के समय आपको जल्दी बहुत ही काले घने बादल देखने को मिले ही होंगे। कल रात 21 जनवरी रात से राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है, जो कि लगातार 23 जनवरी तक राजस्थान में इसका असर देखने को मिल सकता है। 24 जनवरी के बाद राजस्थान का एक बार फिर मौसम साफ महसूस करने की संभावना। ऐसे में आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में आप जहां कहीं भी रहते हो उस जिले का नाम जरूर लिख देना, क्योंकि 21 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक यानी परिसंचरण तंत्र बनने के कारण अरब सागर की खाड़ी से हवाओं के कारण नमी की सप्लाई होने की संभावना से इसके प्रभाव से 21 जनवरी रात्रि से ही जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। मेघ गर्जन के साथ साथ कुछ स्थानों पर हल्की दर्जे की बारिश होने की संभावना और 22 जनवरी को इस सिस्टम का असर है वो सर्वाधिक असर रहने का अनुमान लगाया। राज्य के उत्तरी भागों में मेघ गर्जन के साथ साथ एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना लगाई जा रही है और 23 जनवरी को भी भरतपुर व जयपुर संभाग में हल्की बारिश संभावना है, जबकि शेष भागों में मौसम मुख्यतः साफ महसूस करने की संभावना। ये हो गई संभागों की बात। अब हम 21 व 22 जनवरी को जिलेवार की बात करें, जैसा कि किन जिलों में ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात करें तो 21 जनवरी को सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा में कहीं कहीं मेघ गर्जना व आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान की ये बात हो गई। पश्चिमी राजस्थान की 21 जनवरी की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान को 21 जनवरी के दौरान बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर में कहीं कहीं मेघ गर्जना के साथ ही आकाशीय बिजली चमकने की संभावना लगाई जा रही है और 22 जनवरी को राजस्थान का मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 22 जनवरी को सर्वाधिक असर 22 जनवरी को देखने को मिल सकता है, जिसमें से पूर्वी राजस्थान के जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, करौली, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर जिलों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जना व आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है, जबकि जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना लगाई गई है मौसम विभाग के द्वारा। अब हम बात करें 22 जनवरी के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जिलों में कैसा रहेगा असर। तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर में कहीं कहीं मेघ गर्जना व आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है, जबकि चूरू जिले में यहाँ पर एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना लगाई गई है मौसम के द्वारा। अगर कोई नई अपडेट आएगी मौसम की तो उसके बारे में आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको राजस्थान की मौसम की पल पल की अपडेट वैसे ही वैसे सटीक खबर मिलती रहे। धन्यवाद।